अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा कासिम, आप देख रहे हैं पीकेएन न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं, आईजीपी सिंह का घोट की कच्चा इलाकों का दौरा, डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन और नई बनने वाली पुलिस चौकियों का इफ्तिताह। मजीद तफसीलात डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अलीगढ़ मेहर की रिपोर्ट में। आईडी सिंध गुलाम नबी मेमन, डीआईडी सखर जावेद सोनारो जिसकानी, एएसपी खेरपुर मीर रोहल खान खोसा, एएसपी स्पेशल ब्रांच मुनीर अहमद खड़ू, एएसपी यूटी घोटकी अब्दुलरहमान शाह घोटकी के कच्चा पहुंचने, जहां पे उन्हें एएसपी घोटकी तनवीर हुसैन ने नई पुलिस चौकी के मुतालिक तफसीली आगाही दी। बेलो मीरपुर और थाना शहीदी मोहम्मद लगाड़ी की हदूद में बनने वाली नई पुलिस चौकियों के हवाले से बताया कि मस्कूरा नई पुलिस चेक पोस्टों के क्याम के बाद न सिर्फ शहरों पर आवाम जरैम से महफूज रहेगी बल्कि इसके साथ कच्चा भी जरैम से महफूज हो जाएगा। अनपिकर्स के क्याम से कच्चे में भी अमन अमान को यकीनी बनाया जाएगा। कच्चे में लड़ने वाले डाकू अगवाकारों को काबू किया जा सकता है और कच्चे के डकैतों जरैम पेशा नासों को कच्चे या पके में जुर्म करने की नीयत से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कच्चे में बनने वाली 7 नई पुलिस पकड़ का मकसद ये भी है कि जरायम पेशा नासी की नकल व हरकत पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। आईजीपी सिंह जनाब गुलाम नबी मेमन ने कच्चे में कायम की जाने वाली नई पुलिस चेक पोस्टों का भी मुआयना किया और तकरीबन 35 किलोमीटर पर वाकिया पुलिस चेक पोस्टों के इंचार्ज और जवानों से कच्चे के मुतालिक मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और मालूमात हासिल की और उन्हें ज़रूरी हदायत दी। कच्चे और पक्के से डाकू जरायम पेशा नासी का खात्मा करना और आवाम की जान माल का तहफ्फुज़ करना सिंध पुलिस की अवलिन तरजीहात में शामिल है।